जिंदगी छोटी ही सही मगर शानदार होनी चाहिए, रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6 पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी का। ऑलरेडी मैं इस पे कंसेप्ट दे चुका हूँ, कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन थे बुक में वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। फटाफट पेन पेपर लेकर के रेडी हो जाइए। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.6 का। देखो जी, ऑलरेडी बताया गया था पैरामेट्रिक क्या होता है कि सपोज ए की जो फ्रेंडशिप है ना ये बी के साथ है और बी की जो फ्रेंडशिप है सी के साथ है। लेकिन मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ए की फ्रेंडशिप कैलकुलेट करना है सी के साथ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ए बी के साथ कनेक्टेड है, सी भी बी के साथ कनेक्टेड है, तो ए को आपस में कनेक्टेड करना है सी के साथ। ठीक है, तो जैसे देखो एक्स टी के टर्म में है, वाई भी टी के टर्म में है, लेकिन आपको जो कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आपको प्रोसेस सारा का सारा बताया हुआ है, देखते जाइए। पहले आप यहां पर डिफ्रेंशिएट कर दो डी एक्स बाई डी टी, बिकॉज इस साइड एक्स है इस साइड टी है, तो आई विल राइट टू ए और मैंने लिखा 2t। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा dx by dt इक्वल टू ये हो जाएगा 4at। ठीक है, दिस इज 4at मैंने लिख दिया। इसे डिफ्रेंशिएट कर लो dy by dt, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ठीक है, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, t का पावर 4 किया ये हो जाएगा 4t³, दिस इज 4t³ मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा नाउ आई हैव टू कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स। सो वट इज द मैथड, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, बिल्कुल। चलिए, मेरा फेवरेट स्टूडेंट कलुआ से मैं पूछा तो कलुआ ने जवाब दिया कि सर आप लिखो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि डी टी डी टी अगर कटेगा तो वी आर गेटिंग डीवाई बाई डी एक्स। मैंने बोला वेरी गुड, अब आप क्या कर लो डीवाई बाई डी एक्स निकाल लो, इट इज 4at³ इंटू, ठीक है, और डी टी बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। ये देखो यहां पर डी एक्स बाई डी टी है तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं, तो ये होगा क्या जाए, मैंने इसको लिखा डी टी उल्टा कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा 1/4at। ठीक है, तो a और a कैंसल, t और t स्क्वायर कैंसल, तो टोटल जो मिला करके आ जाएगा dy by dx इक्वल टू 4, ये देखो कट जाएगा 4t² वेल 4 भी तो कट ही जाएगा ना, ये 4 भी आपका कैंसल हो जाएगा, तो टोटल आफ्टर कैंसलेशन यू विल गेट 4 कैंसल, a कैंसल, ये भी कैंसल, तो ये पूरा मिला करके जो होगा दिस इज टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, एक बार बढ़िया से देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए आप लोग भी आंसर। आइए, तो आपने देख लिया होगा, एक बार और मैं क्रॉस चेक करके बता देता हूं, एक्स इक्वल टू 2at² डी एक्स बाई डी टी, 2a कॉन्स्टेंट था बाहर निकल गया तो 2t हो जाएगा ये डिफ्रेंशिएशन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 4at। उसी तरह से dy बाई डी टी लिख दिया मैंने, a कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, t का पावर 4 का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो 4t का पावर q मैंने लिखा। अब मैं क्या करूँगा, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करूँगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी को मैं क्या लिखूँगा, ऑलरेडी इट इज़ गिवन 4at का पावर q इंटू डी टी बाई डी एक्स उल्टा कर दो 1/4at, दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल करके टी का स्क्वायर मैंने यहां पर लिख दिया, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब जरा देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, यहां पर देखना कि एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू बी कॉस थीटा दिया हुआ है, मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहले डी एक्स वाई डी थीटा ले लो, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और कॉस थीटा का क्या होना है यू नो वेरी वेल, माइनस साइन थीटा मैंने कर दिया। उसके बाद डी वाई बाई डी थीटा ले लो, क्या करेंगे,
बी कॉन्स्टेंट है बाहर लिख दो, और कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, आई विल राइट माइनस साइन थीटा मैंने कर दिया, क्लियर। नाउ अब आप क्या करोगे ना, इट विल बी डी वाई बाई डी एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं। यही वो फॉर्मूला है जो पूरा पैरामेट्रिक इक्वेशन को संभाले हुए है, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा को लिखा माइनस बी साइन थीटा इंटू और डी थीटा बाई डी एक्स, इसको उल्टा कर दो, वन बाई माइनस ए साइन थीटा मैंने लिख दिया, ठीक है, माइनस ए साइन थीटा। अब आप क्या करोगे, साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ जो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी बाई ए, ये इसका फाइनल आंसर है। दिस इज द वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा ना, दिस इज बी बाई ए आ जाएगा आपका, देख लो जी, दिस इज द फाइनल आंसर हो गया आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑलरेडी x इक्वल टू यहाँ कह रहा है साइन टी, एंड y इक्वल टू कह रहा है cos, दिस इज 2t, एक बार चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू cos 2t, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने करण अर्जुन को दिया, तो करण अर्जुन क्या दिमाग लगाता है, ध्यान से देखो, वो क्या करेगा, डी एक्स बाई डी टी, मैंने ये हो गया साइन टी का कॉस टी, मैंने करण से पूछा बता करण कि विथ रिस्पेक्ट टू टी किस लिए किया आपने, तो उसने क्या कहा कि सर इधर एक्स है, इस साइड टी है, तो डी एक्स तो होगा और विथ रिस्पेक्ट टू यहां पर टी हो जाएगा, तो मैंने कहा डी एक्स बाई डी टी, दिस विल बी कॉस टी हो गया। अब आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी टी मैंने लिख लिया, इसे मैं लिखूंगा कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा करण, जरा बताओ, करण को टॉप करना है, क्या आपको टॉप करना है, टॉपर बनके वो पापा से अपना एक बुलेट बाइक खरीदवाएगा, आप क्या खरीदवाओगे कमेंट करके बताइएगा मुझे। डी वाई बाई डी टी कैसे लिखेंगे, माइनस कॉस टू टी, ध्यान से देखिए, माइनस कॉस टू टी को लिखेंगे माइनस साइन टू टी हो गया, इनटू सबसे पहले कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और फिर वो टू टी का डिफ्रेंशिएशन करेगा, इनटू टू लिख सकते हैं हम लोग, इतना तो लगभग पता हो गया होगा। अब आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स मुझे निकालना है, ठीक है, मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कैसे होगा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई, मैंने डी एक्स लिख दिया जी, ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी को कैसे लिखेंगे, माइनस टू साइन टू टी, और इंटू डी टी बाई डी एक्स को कैसे लिखेंगे, उल्टा कर दो, वन बाई कॉस टी हो जाएगा, ठीक है, वन बाई कॉस टी लिखा मैंने। अब आप क्या करोगे, माइनस टू, क्या इसको भी ब्रेक हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला आपको पता है, टॉपर बनना है ना, चलो जल्दी फॉर्मूला मुझे बताओ, ये है साइन टू टी का, इसका फॉर्मूला होता है टू साइन टी कॉस टी और इंटू वन बाई इट इज कॉस टी हो गया, ठीक है, लिख सकते हैं, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अब आप क्या कैंसिल कर लो, कॉस टी कैंसिल कर लो, तो टोटल मिला करके जो आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर साइन टी, यही इसका आंसर आ जाएगा, दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स, एक बार चेक कर लीजिए जल्दी से और कंफर्म करके मुझे बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग को दिमाग लगाना है, लेकिन ये दिमाग लगाने से पहले अगर टॉप कर जाओगे, टॉपर बन जाओगे, देखो बार बार आपको सपना देखना है, तो बताइए आप अपना हेल्थ कैसे मेंटेन करना चाहोगे, एक आइडियल फिगर सोचो कि आप किसके जैसा बनना चाहोगे, ठीक है, और फील करो कि उसके जैसा बन गए, लोग तारीफ आपकी कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा का सारा विजुलाइजेशन टेक्निक इसको हम लोग कहते हैं, जो बड़े बड़े एथलीट ओलंपिक में इसको यूज़ करते हैं कि वो सक्सेस पाने से पहले खुद को अपने सक्सेसफुल देखते हैं, ठीक है, ये टेक्निक आपको भी इस्तेमाल करनी है। चलिए फील कीजिएगा कैसा हेल्थ चाहिए आपको, अब देखो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे जी, चलिए एज अ टॉपर सोचिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4t का पावर माइनस वन, ठीक है, मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया dx by dt, 4 रहेगा इंटू वन किया मैंने, t को जो है ना dt by dt वी आर गेटिंग एज अ 1, अब मैं इसको लिखूंगा dy वाई बाई डी टी, 4 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, माइनस वन t
डी का पावर माइनस टू मैंने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू फोर, एंड यहाँ पर डी वाई बाई डी टी मैंने लिखा माइनस फोर टी, और पावर नीचे है ना, तो इसको तो हम लिख ही सकते हैं ऐसे करके, वन बाई टी का स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, टी का स्क्वायर मैंने कर दिया। अब ध्यान से देखिए करना क्या है आपको, वही अंदाज डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो ये होगा डी वाई बाई डी टी और इंटू डी टी वाई मैंने लिखा डी एक्स कर दिया, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी क्या होगा, ये होगा माइनस फोर बाई टी स्क्वायर इंटू, और इसको जरा सॉल्व कर दो, इसको रेसिप्रोकल करना है, ये होगा वन बाई फोर करना होगा, जो फोर है ना इट विल बी रिटर्न एज अ वन बाई फोर, क्यों, क्योंकि डी टी बाई मुझे डी एक्स चाहिए। अब देखो फोर फोर कैंसिल, इट विल बी डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाई टी का स्क्वायर मैंने लिख दिया, यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स है माइनस वन बाई टी का स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया, दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन में हम लोग इन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव पर दिमाग लगाइए जी, क्या कह रहा है, x इक्वल टू कॉस थीटा और माइनस दिस इज कॉस टू थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। अंदाज बिल्कुल वही, एकदम बेसिक तरीके से, ओल्ड इज गोल्ड, उसी टेक्निक पर अभी हम लोग को काम करना है। तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल डिफरेंशिएट dx विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, और cos 2 थीटा का होगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू, और 2 थीटा का क्या करेंगे हम लोग, 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, इट विल बी 2। मैं इसको क्या करूँगा, dx बाई डी थीटा माइनस हो गया साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 साइन 2 थीटा, ठीक है, यही हमारा dx बाई डी थीटा हो जाएगा। अच्छा मुझे इसका जरा बता दो, dy वाई बाई डी थीटा का देख लो, साइन थीटा का लिखूंगा cos थीटा, और इसका लिख दो cos 2 थीटा इंटू मैंने लिखा 2, ठीक है, साइन थीटा का cos थीटा और साइन 2 थीटा का cos थीटा, 2 थीटा इंटू 2 मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ जरा बताओ, dy वाई बाई डी एक्स मुझे लिखना है, प्रोसेस बिल्कुल वही है, तो dy वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स मैंने लिखा, ठीक है। तो ये dy वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और इंटू 2, ठीक है, और बाई ये उल्टा हो गया माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है, 2 साइन 2 थीटा dy वाई बाई डी एक्स हो गया। चाहो तो इसको बढ़िया से अरेंज करके भी लिख सकते हो, दिस इज cos थीटा, 2 को पहले लिख दो, माइनस 2 cos 2 थीटा हो गया बाई, उसके बाद आप इसे लिख दीजिए 2 साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये देखो ये भी आंसर हो सकता है, एक बार चेक कर ले, या कुछ और मॉडिफाई करने बोल रहा है तो वो भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या मॉडिफिकेशन में कह सकता है, या हमारा आंसर यहीं तक है, बिल्कुल यहीं तक है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहीं तक हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे।